सो हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट और आने वाले वीडियोस के बारे में बताऊंगा, जो कि चूंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास टाइम कम है। और मैं दूसरों के चैनल पे भी जाके वहाँ पे कमेंट्स देख रहा था कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनके क्वेरीज का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुझे इतना मतलब अंदर से फील हो रहा था यारों कि मतलब काश वो लोग मेरे चैनल पे होते, ठीक है, या मैं कहूँ कि वो मेरे से जुड़े रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, ठीक है यारों। तो प्लीज उनको अवेयर करो, ठीक है। मैं अब उनके चैनल पे जाके अपना तो प्रचार कर नहीं सकता, बट हाँ उनके चैनल पे जाके मैं उनका सॉल्यूशन जरूर किया हूँ, ठीक है। बहुतों के चैनल पे जाके आप देखोगे भी तो आपको यश ज्ञान करके मिलेगा, ठीक है। तो यारों ऐसा कितना करे बताओ, ठीक है। तो प्लीज गाइस शेयर दिस वीडियो, ठीक है। और आज हम लाइव आने वाले हैं चूंकि अब हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। चॉइस फिल आप अगर अच्छे से नहीं करते हो, फॉर्म फिल आप अच्छे से अभी तक नहीं किए हो, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, तो फिर आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए ही डाउट क्लियरिंग सेशन आपके सामने आ रहा होगा, तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो और जो क्वेरीज है वो हम देख ले। सबसे पहला तो बात सबके मन में यही होगा कि भैया इस बार का काउंसलिंग कैसा हो रहा होगा, है ना, कि काउंसलिंग कैसा होगा, मतलब 2020 के अनुसार होगा, 2021 के अनुसार होगा, या 19 के अनुसार होगा। तो देखो बेसिकली बात यहां पे ये है कि ना यहां 2020 के अनुसार होगा ना 2021 के अनुसार होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि क्योंकि 2020 और 2021 में हुआ क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इस बार मॉपअप राउंड में बहुत अच्छा और मैं बोलूँ कि वेरिएशन आएगा, पिछली बार नहीं आया था उसका भी रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और 2020 में काउंसलिंग मतलब ऐसा चेंजेस आया था कि मैं बता नहीं सकता, मतलब जिसका कम रैंक भी था उसको भी बहुत अच्छा कॉलेज मिला, वो कैसे हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए 2020 में क्या हुआ था कि जैसे हर एक के पास तीन करके नौ, देखा मतलब समझ लो कि छह राउंड्स हो गए थे। कैसे? फर्स्ट राउंड देन उसका अपग्रेडेशन, सेकेंड राउंड देन उसका अपग्रेडेशन लिस्ट, मॉपअप राउंड देन उसका अपग्रेडेशन लिस्ट। अपग्रेडेशन के साथ साथ 40,000 पे करना पड़ता था फॉर प्राइवेट कॉलेज। और इस वजह से अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट ने 40,000 पे नहीं किया, ठीक है, तो जैसे मान लो कि फर्स्ट राउंड से कोई काउंसलिंग कर रहा है उसका ऊपर चला जाता था, ठीक है। और जैसे कोई सेकेंड राउंड में एंटर होता था, मान लो तुम्हारा रैंक 6,000 है और दूसरे का रैंक 5,000 है, 5,000 वाला सेकेंड राउंड में एंटर हुआ, तुम चले गए फर्स्ट राउंड में और फर्स्ट राउंड में ही 40,000 पे करके अपग्रेड करवा लिए, ठीक है, तो तुमसे नीचे ही होने का चांस होगा वो 5,000 वाले का, ठीक है। तो ऐसा सीन होता था, मतलब हुआ था, ठीक है, कि भाई साहब जिसका रैंक ऊपर भी था वो भी नीचे चला गया था और जिसका रैंक नीचे भी था वो भी आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ था क्योंकि 40,000 एफोर्ड करना वो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए बंदे अपग्रेड नहीं करते थे। फर्स्ट राउंड में जो आया वो देखते थे और सेकेंड राउंड में निकल जाते थे। और जो मतलब थोड़े से रहते थे कि नहीं मुझे एडमिशन लेना ही था, लेना ही है, तो वो क्या करते थे कि फिर जो है सीधा 40,000 पे करते थे, अपग्रेड करते थे, फिर पे करते, मतलब पे नहीं करते थे, सॉरी, फिर दोबारा पे नहीं करते थे, अपग्रेड 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 होता जाता था उसका, ठीक है। तो ऐसा करते थे बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से जो है काउंसलिंग में आपको देखिएगा तो पता चलेगा कि काउंसलिंग में काफी ज्यादा मतलब जिसका कम रैंक भी था वो भी बहुत ऊपर उठा, ठीक है, इसलिए कॉलेज का रैंक जो है थोड़ा लो गया था, मतलब हाई गया था, सॉरी, ठीक है। और 2021 में क्या हुआ कि 2021 में क्यों वेरिएशन नहीं आया मॉपअप राउंड में, बिकॉज कि क्या हुआ कि सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड, जैसे मान लो अभी के टाइम क्या है, अपग्रेड 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 हो रहा, मतलब अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो रहा है। ऐसे ही था पिछली बार मॉपअप राउंड के भी साथ, मतलब फर्स्ट राउंड में फिर अपग्रेड, सेकेंड में अपग्रेड, मॉपअप में भी अपग्रेड, ठीक है। तो इस वजह से उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए थे, बट इस बार क्या है अलग ही कर दिया गया है मॉपअप राउंड को। तो ऑब्वियसली मैं लिख के दे सकता हूं पेपर पेन पे कि चेंजेस बहुत आएंगे, ठीक है, क्योंकि रिस्क भी है, रिस्क है
तो चेंज आएगा। रिस्क किस बात का कि अगर आप सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लेते हो, मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, तो मॉकअप राउंड में अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो पीछे वाला जो कॉलेज रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप चूंकि एडमिशन ले लिए रहोगे यानी सेमेस्टर फी पे कर दिए रहे होगे, फिर दोबारा दूसरे कॉलेज में पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा हर एक बंदों के लिए। और वो जो सेमेस्टर फी आप पे किए हो वो कॉलेज रिटर्न भी करती है, और कई कॉलेज तो आपको बोलेगी कि रिटर्न होगा ही नहीं। बट मे भी इसके लिए पिछले साल जो है हंगामा भी हुआ था कि कई कॉलेज नहीं रिटर्न कर रही थी, तो इस वजह से हंगामा भी हुआ था। बट इस बार अगर मान लीजिए कोई कॉलेज बोलती हुए कि रिटर्न करते हैं तो वो मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम लेगी। तो ये एफर्ट कर पाना इतना टाइम में, ठीक है, मिनिमम 3 मंथ्स लेगी ही लेगी, 2 से 3 महीना लेती ही लेती है। जैसे बोर्ड में भी आप मान लीजिए कि एडमिशन नहीं हो पाता है, एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग 5,000 जो आपने पे किया होगा वो रिफंड होगा 3 मंथ्स के टाइम के आसपास, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये बात हो जाती है, यहाँ पे यही रिस्क वाला पॉइंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉकअप राउंड में बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा। अब एक ये मेरे पास आता है, एक डाउट भी मैं इसके साथ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि डाउट्स तो इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। बेसिकली मैं जब गया था दूसरों के चैनल में, मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छे हैं, मतलब मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो रिप्लाई नहीं कर रहे यार, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग उन्हें शेयर कर रहे हो, प्लीज शेयर करो गाइस, प्लीज शेयर करो यार, भाई के लिए इतना ज्यादा भाई आपका मेहनत करता है, ठीक है, प्लीज यार शेयर करो, ठीक है, ओके। चलो अभी क्या आता है कि जैसे भैया एक बात बताओ कि मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट हम ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि तो क्या होगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आप तब मॉकअप राउंड में बैठोगे और फर्स्ट और सेकेंड में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, जैसे कि अगर मान लीजिए भैया कि अगर कुछ हम गलती एंटर कर देते हैं, मान लीजिए कि फादर्स नेम में मदर्स नेम में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम थोड़ा सा गलती हो जाता है तो क्या होगा? तो आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और फिर वहां पे आपको ले जाना होगा जिस भी कॉलेज में अलॉट होगा, क्लियर है। कोर्ट से बनता है वो आप पता कर सकते हैं, पापा को पता होगा, आई थिंक आपको भी पता होगा, और आने वाले फ्यूचर में आपको पता चल ही जाएगा, बिकॉज कि क्योंकि आपको जो है एंटी रैगिंग का फॉर्म वहीं से बनवाना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अब एक और क्वेरी मैं सॉल्व करता हूँ, चूंकि क्वेरी पता है इतनी ज्यादा है ना कि मैं करते 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 खत्म नहीं होगा, ठीक है, फिर भी जो मेजर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं शेयर करता हूँ। कि एक ये आता है कि भैया एक बात बताओ, जैसे सर्टिफिकेट कोई अगर ओबीसी है या एससी एसटी या ऐसा कुछ है, तो अगर वो नहीं ले जाता है सर्टिफिकेट या ऐसा बन नहीं पाता है उस टाइम तक तो क्या होगा? तो बेसिकली ये हो रहा होगा कि अगर आपको नहीं बन पाता या ऐसा कुछ कि नहीं पहुंच पाते, नहीं ले जा पाते, तो आपको डोमिसाइल जो है उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है, पहली तो ये बात। दूसरी बात कि वो क्या करेंगे, आपका कैटेगरी कट कर देंगे और आपको जनरल में रखा जाएगा, फिर क्लियर, आपको जनरल कैटेगरी कंसीडर किया जाएगा, अगले जो भी राउंड्स हो रहे होंगे उसमें आप जनरल एज अ जनरल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्लियर है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और गाइस आप प्लीज इसे शेयर करें, क्योंकि आज हम 8 बजे शाम में 8 बजे रात में लाइव आ रहे हैं, और आपको भी आना है, ठीक है, आपको भी आना है, क्योंकि आप लाइव रहोगे तो आपके मन में क्वेरीज आएंगी। और हाँ एक चीज मैं बड़े भाई के नाते आपको बता रहा हूँ कि कॉलेज जो भी आप डाल रहे हो उसे कॉलेज पे एक पेज और कॉपी पेन पे आपको क्या करना है, लिखना है, हर एक कॉलेज का नाम आपको लिखना है, ठीक है। बेसिकली अगर आप नहीं लिखते हो, लिखोगे ना, बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, बहुत सारी क्वेरीज फिर सॉल्व होंगी, ठीक है, नाम से रिलेटेड हो गया या कुछ भी हो गया, बहुत सारी आएंगी, ठीक है, तो वो सब रिजॉल्व हो रही होंगी, कॉपी पेन पे लिखो यार, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करो गाइस, और 8 बजे मिलते हैं ना।